फिरो। चित्रकूट के तीर्थ क्षेत्र रामघाट पर एनडीआरएफ टीम ने चित्रकूट में बाढ़ आपदा पर एक मॉक अभ्यास किया। दरअसल निरीक्षक आरबी गौतम के नेतृत्व में 30 सदस्यीय एनडीआरएफ टीम और आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने सेल्फी लेते हुए युवाओं की एक बोट पलटने की परिदृश्य का प्रदर्शन किया और इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को घटना के बारे में सूचित किया गया। बचाव दल द्वारा लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट और डीप डाइवर्स की मदद से जीवन रक्षक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ये पूरा मॉक अभ्यास इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के निशान निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था। जनपद चित्रकूट में एक मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, यह फ्लड सिनेरियो पर था। यह एक्सरसाइज दो जगहों पर हुई है। पहला पार्ट फ्लड सिनेरियो पर तहसील राजापुर के सरजुआ में हुआ है, दूसरा रामघाट किनारे हुआ है। दोनों जगहों पर अलग अलग पार्ट में दिखाया गया, पहला फ्लड, दूसरा ड्राउनिंग केस, बोट पलटती है, लोग डूबते हैं तो कैसे उनको बचाया जाए। और सर क्या क्या इसमें मतलब लोगों को क्या क्या समझाया गया इसके लिए कि कैसे सुरक्षित रहें, क्या क्या करें उसके लिए सावधानी के लिए? विशेषकर रामघाट पर एक पर्यटन स्थल होने के कारण सभी नाविकों को बताया गया सुरक्षा के सभी मानदंड अपनाएं, जैसे कि लाइफ बॉय लाइफ जैकेट का इस्तेमाल करें, सभी पर्यटकों को लाइफ बॉय लाइफ जैकेट के बारे में बताएं और उनके बोर्ड पर सफिशियंट लाइफ बॉय लाइफ जैकेट होनी चाहिए ताकि कोई हादसा होने पर सभी का बचाव किया जा सके। जैसे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामघाट आते हैं और यहाँ पर अक्सर जो है घटनाएं हो जाती हैं, उसके बचाव के लिए क्या मतलब उपाय किए हैं आपकी ओर से? उसके बचाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से स्थानीय गोताखोर नियुक्त किए गए हैं, जिसके कारण होने वाली घटनाओं पे काफ़ी अंकुश है। इसके अलावा मेला के समय संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, एसडीआरएफ को तैनात किया जाना चाहिए, आवश्यकता है तो एनडीआरएफ को भी रिक्विजिशन दे करके बुलाया जा सकता है और मेला के समय तैनाती की जा सकती है। शुभ नाम? इंस्पेक्टर आरबी गौतम, एनडीआरएफ वाराणसी।